स्टूडेंट हम लोग एक चौक में कैसे पढ़े? कि एक ही क्लास में 6 घंटा पढ़ना होता है। उससे पहले जो धमकी थी हम लोग बता दिए, कल एकदम से आए हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे, हमारे टीचर्स का हाथ पकड़ के ले जाने लगे। नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, पढ़ाई नहीं है इन लोगों को, पढ़ाई नहीं करना, मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल में ताला लग जाएगा। बाहर गए तो बोल रहे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी, सुंदर हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर होगा। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बॉयफ्रेंड ही अगर होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। शिक्षक पिता के समान होता है, माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि गुरु उनके बच्चे के भविष्य को उज्जवल कर सके। गुरु वह होता है जो अगर बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें रोकता है, लेकिन अगर वही शिक्षक बच्चों के साथ अश्लीलता परोसने लगे तो फिर कोई माँ बाप कैसे अपने बच्चों को शिक्षक के भरोसे छोड़ेगा। ऐसा ही एक मामला हुसैनाबाद के बालिका उच्च विद्यालय से सामने आया है। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने अश्लील हरकत और बात करने का आरोप लगाया है। इस मामले में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तारी करने की मांग की है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ाई करने आती है तब प्रिंसिपल उनके साथ अश्लील टिप्पणियां करते हैं। कभी शिक्षक भोजपुरी गाने पर डांस करने को बोलते हैं तो कभी कुछ करने को, वहीं छात्राओं पर कमेंट भी करते हैं। प्रिंसिपल से तंग आकर छात्राओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं का साफ कहना है कि ऐसे शिक्षक पर अविलंब कार्रवाई हो। एक छात्रा यह भी बताती है कि प्रिंसिपल की शिकायत कहीं करने पर उन्हें धमकी दी जाती है, क्लास से शिक्षक को हटा देते हैं। अब सभी छात्रा थक गई है इन कारनामों से। इस मामले में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि ऐसे शिक्षक पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ पे है ये हाई स्कूल? क्या मामला है आप लोगों के साथ में? सर, आप लोग के प्रिंसिपल जो है ना अच्छा बिहेव नहीं करते हैं हम लोग के साथ। क्या करते हैं वो? क्या कहते हैं? कोई लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, उसके बावजूद कहते हैं ना कि तुम नाटक कर रही हो, बाहर भी जाओगे तब भी हम छुट्टी नहीं देंगे। और किसी का पेट दर्द या अचानक कुछ भी होता है तो छुट्टी भी नहीं मिलती। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, ये नाटक है हमेशा। अपने तुमको तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोल कर आई हो कि हां हम आएंगे, कौन ये कह रहा था? प्रिंसिपल सर। क्या नाम है प्रिंसिपल सर? प्रकाश। यौन स्टूडेंट को नहीं बोला जा सकता है। और भी कुछ कहा करते हैं? हाँ, और अपना काम नहीं, उनका काम नहीं कीजिएगा तो वो धमकी देते हैं कि आप टीचर्स को वहाँ से लेके चल जाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या? किस प्रकार का काम के लिए बोलते हैं? वो अपना काम करने के लिए, उनको गवर्नमेंट काम दिया तो वो हम लोग से निकलवाते हैं, सारा पैसा बचाते हैं। हम लोग का कॉपी आया था, 15-15 कॉपी आया था, बट हम लोग को 8 कॉपी मिला, सारे पैसे खा जाते हैं। दो कॉपी है, पता नहीं कहाँ चला गया। 8-8 कॉपी मिला है। इन सब बातों का शिकायत अपने अपने परिवार वालों से किया है? घर पे भी बोला जाता है कि ये बात तुम प्रिंसिपल से बोलो। हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर भी लिखना चाहते थे, बट हम लोग को सारे टीचर्स ना दबाव देके हम लोग को बोले कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल ही हमारा ये है तो कुछ नहीं होता हमारा उनसे। वो कहते हैं कि जितना है उतना ही मैनेज करो। 15 अगस्त वाला क्या मामला है? 26 जनवरी को फंड आता है कि मेरे को गवर्नमेंट से पूछना है, आने के बावजूद जब कोई सुविधा नहीं मिलती तो फंड क्यों भेजता है गवर्नमेंट? तुम्हारा कमर बहुत अच्छा है, फिर बोली ना सर आप क्या बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत गंदी नजर है, मतलब बहुत गंदा नजर, गंदी नजर से लड़की
लड़कियों को देखते रहते हैं। और गर्ल्स प्रॉब्लम होता है तो बोलेंगे कि सर जाए घर तो नहीं, क्यों कोई कीमत पे घर ले जाए। कमेंट भी करते हैं क्या सर? नहीं कमेंट तो नहीं करते, हाँ बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ से आई हो, तुम लोग का एज कितना हो रहा, तुम लोग इतनी सुंदर हो, ये वो गोरी हो कि काली हो, कितनी सुंदर हो, क्या बोले? हम लोग को एक वर्ड इतना बुरा बोले, हम लोग को बोलते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, मर जाओ कि बिना तो छुट्टी नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम लोग मरते रहो, तुम लोग यहाँ तक जाना पड़ता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे मैम से बात करना है, तो यहाँ की मैम नहीं हम है, तो बोले सर आपको हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है ना तो आप हमें बताओ। मैम से क्या, मैम हमारे स्कूल में कोई अपने भाई को भी लाती है तो वो गलत ही बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कौन है ये? अगर पूछते बोलते भी है ना कि मेरा भाई है तो बोलते नहीं भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड ही है। पढ़ने नहीं देंगे, हमारा काम नहीं होगा तो तुम लोग को पढ़ने नहीं देंगे, ये करेंगे। और बोलते कि तुम्हारे किसी से चक्कर चलता है, तो हम बोले ये क्या पूछ रहे सर सवाल, मेरा चक्कर इतना पागल है कि हम किसी को जब भी बॉयफ्रेंड ही बनाकर चलेंगे, इतना दिमाग नहीं है। तो सर बोले नहीं नहीं हम तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे थे, किसी के साथ चक्कर उक्कर तो नहीं है। एक चीज और बोलते हैं ना कि अगर तुम लोग हम लोग का काम नहीं करोगे तो तुम लोग को टारगेट पे ले लेंगे, शायद नंबर पूरा बोलते कि टारगेट पे लेंगे। सर टारगेट पे लेना क्या मतलब, यानी कि आप लोग हम लोग को मर्डर की देगा हम अब हम लोग इतना डिसिप्लिन में भी रहते हैं, बट हम लोग बोलते काम नहीं करें, पूरे डिसिप्लिन में नहीं रहती है तुम लोग। हम लोग को टीचर से कोई कंप्लेंट नहीं है, टीचर हम लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि टीचर्स बहुत कम है, और फिर भी वो बोलते जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग से आकर अपने ट्यूशन पूछते कि सिलेबस कम्प्लीट हुआ, फिर हम लोग जब पूछने जाते कि सर हमारा सिलेबस कम्प्लीट क्यों नहीं हो रहा, तो बोलते कि इतना ही तुम मेहनत करो, इतना ही सरकार भेजता है, सरकार क्या क्यों हम लोग भेजता है, यहाँ पे लेट मोड़े शाम के टाइम हम लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग करके हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं कि चीटिंग करके पास हो जाओगे, हम लोग चीटिंग करके पास हो जाएंगे। यहाँ के हमारे आदरणीय जो शिक्षा मंत्री है वो ये सब का फंड नहीं भेजते होंगे कि टीचर सही है, उनको नहीं दिख रहा कि टीचर ज्यादा होना चाहिए, हमारा 3000 बच्चे हैं और मात्र 6 टीचर है हमारे, 6 से 7 टीचर, और गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए कि हाई गर्ल्स स्कूल है, प्लस 2 का है, इधर कम से कम कैसे भी नहीं तो 20 टीचर रहने चाहिए, ना ही अच्छा सा बेंच है, ना ही फैन है, ना टूटा हुआ है, हम लोग टूटा हुआ है, हम तो नामों का हम लोग जिस क्लास है तो एक जैसा नहीं है, गर्मी के दिन में हम लोग अपना मैनेज करेंगे, इतना गर्मी लगता है, ये सब के लिए खोलेंगे ना, खिड़की खोलने के बाद खिड़की खोलने का बंद करो, खिड़की इधर लड़की आ रहा है, खिड़की बंद करो वरना तुम लोग बाहर देख रहे हो, खिड़की बंद करो, तो हम लोग बोलते सर गर्मी लग रहा है, ऊपर से फैन नहीं है, ऊपर से खिड़की नहीं खोलेंगे तो हवा आने, कम से कम हवा तो चाहिए ना कि गर्मी लगेगी। अभी हम लोग ये सब आवाज उठाया है तो बहुत सारे मतलब प्रिंसिपल ही सर बोलेंगे अगर तुम लोग ये सब आवाज उठाओ कि तुम लोग का स्कूल से निकाल देंगे। आप लोग टेंशन मत, आप लोग कोई कुछ नहीं करेगा, निकाल नहीं सकते। सर बोलते हैं तुम लोग से अच्छी अच्छी लड़की आई, अच्छी लड़की आई है, आके अच्छे घर से लिखी है, पढ़ी लिखी आई है और चली गई, तुम लोग क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, ऐसे बोलते हैं। वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, छात्राओं के साथ अश्लील बातें करते हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब प्रिंसिपल ही होकर और इस तरीका से हरकत करे छात्राओं के साथ, जब जितने भी लोग हैं गार्जियन हैं अपनी बेटी को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि शिक्षा लेकर आगे बढ़े, तरक्की करे, और जब प्रिंसिपल ही बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसे प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और FIR करके उसको अंदर कर देना चाहिए, सबसे पहले उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्या कि यह बहुत बड़ी बात है, ये छोटा बात नहीं है, इसलिए इस पर जो है सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं इस मामले में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि ऐसे शिक्षक पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्राओं के साथ कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इनसाइडर लाइव।